हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप जिम जाते हैं और आपका गोल मसल मास गेन करना है, यानी अगर आप अपनी साइज गेन करना चाहते हैं, तो आपने टेस्टोस्टेरोन का नाम जरूर सुना होगा और आपने अपने जिम ट्रेनर से भी ये सुना होगा कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए आप ये ले लो वो ले लो, क्योंकि जब तक आपका ये टी लेवल, हम इसको टी लेवल बोलेंगे, कि जब तक आपका ये टी लेवल इंक्रीज नहीं होता, बढ़ता नहीं है, तब तक आपका मसल साइज भी नहीं बढ़ेगा और फिर एक दौड़ सी शुरू हो जाती है। 17 से 20 साल 25 साल के लड़के कोई गोक्षुरा ले रहा है, कोई अश्वगंधा ले रहा है, कोई शिलाजीत ले रहा है, कोई कुछ और ले रहा है, कोई कुछ और ले रहा है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है और क्यों कम होता है, ये कोई नहीं जानना चाहता। तो आज मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन लेवल, हम इसे टी लेवल बोलेंगे क्योंकि इसे टी लेवल भी बोला जाता है, कि मैं आपको बताऊंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आप अपना टी लेवल नेचुरली कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसके बारे में कुछ बता दूं, जिन लोगों को नहीं मालूम कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, तो उसके बारे में पहले मैं कुछ बता दूं। टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन है जो मेल्स में यानी मर्दों में पाया जाता है। ये वुमेन्स में भी पाया जाता है लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है, और इसकी वजह से मर्दों में सेक्स पावर बढ़ती है, चेहरे पे बाल आते हैं यानी दाढ़ी मूछें आती है, आवाज में भारीपन होता है, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें बढ़ोतरी होती है, और जो मेन चीज है हमारा मसल मास वो भी इसी से ही बढ़ता है। 25 से 30 साल तक की उम्र में हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी नहीं होती और 30 साल की उम्र के बाद हमारा टी लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है, और इसकी कमी से हमारे सेक्स ड्राइव में कमी आती है, हमारा मूड अपसेट रहता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसे इफेक्ट करती है। तो हम अपना टी लेवल कैसे बढ़ाएं या नेचुरली हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आज मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जो मैं अप्लाई करता हूं और इट रियली वर्क्स। नंबर 1 इज वर्कआउट। तो जब भी आप जिम जाए, जब भी आप वर्कआउट करते हैं, तो अपनी लेग्स डे उसको स्किप ना करें, लेग्स की वर्कआउट को स्किप ना करें, क्योंकि बहुत लोग ये गलतियां करते हैं, क्योंकि कई रिसर्च में ये माना गया है और कई जो बड़े बॉडी बिल्डर हैं और बड़े जो ट्रेनर्स हैं वो भी ये मानते हैं कि जब भी हम लेग्स का वर्कआउट करते हैं, थाइज वर्कआउट करते हैं, तो हमारा टी लेवल इंक्रीज होता है। और दूसरा है स्ट्रेस यानी चिंता। जितना आप टेंशन करोगे, चिंता करोगे, उतना आपका टी लेवल डाउन होगा। लेकिन आजकल के जो माहौल है उसमें थोड़ी बहुत टेंशन सबको रहती है, लेकिन फिर भी बेवजह टेंशन से दूर रहें, बेवजह अपने दिमाग पे स्ट्रेस ना डालें। और तीसरा है एक सुपर फूड। वैसे तो एक अच्छी डाइट होना जरूरी है ही, लेकिन मैं आपको एक ऐसा सुपर फूड बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपका टी लेवल इंक्रीज बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी आपका टी लेवल हाई हो जाएगा, और वो फूड है एग यानी अंडा। एक अंडा जो है वो बहुत सस्ता प्रोटीन सोर्स है और उसमें कैलोरीज सिर्फ 70 होती है, इसलिए ये बॉडी बिल्डरों के लिए या एथलीट्स के लिए बहुत अच्छी चीज मानी जाती है प्रोटीन के लिए। और प्रोटीन के साथ साथ इसमें आपको विटामिन डी, जिंक, ओमेगा 3 और फैटी एसिड ये सब भी मिलते हैं, और ये सब बहुत जरूरी है टी लेवल को बढ़ाने के लिए। तो आप रोजाना 3 whole eggs खा सकते हैं। होल एग मतलब पूरा अंडा आपको खाना है, वो जो योक है वो भी आपको खानी है। आप 3 अंडे रोजाना खा सकते हैं और इसके सेवन से, इसके इस्तेमाल से आपका जो टी लेवल है जरूर इंक्रीज हो जाएगा, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जस्ट ट्राई इट। आज की वीडियो में मुझे यही बताना था, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, और नीचे जो रेड कलर का बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे भी क्लिक करिए, और उसके बाद जो बेल आइकन आएगा यानी घंटी का निशान उसे भी क्लिक करिए, क्योंकि उसी से ही आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।